दो गेंदे 10 रन, दो बॉल है, 10 रन चाहिए। सुदेश, सुदेश कहते हैं उसे। चलिए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छा वापसी किया है और सुदेश बहुत ही अच्छी पारी खेली है। चलिए, विनिंग टीम के कैप्टन यहां पर आएंगे और मैन ऑफ द मैच। चलिए, विनिंग टीम के कैप्टन यहां पर आएंगे, नारू, सलमान, सलमान शेख साहब। मैं यहां पर गुजारिश करूंगा कि प्लीज कहीं जाएंगे नहीं हमारे सलमान शेख साहब, यूथ मुंबई सेक्रेटरी। प्लीज मंच की तरफ आएंगे हमारे सलमान शेख, जो कि यूथ मुंबई सेक्रेटरी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। मैन ऑफ द मैच कौन है? इरफान, इरफान मैन ऑफ द मैच कौन है? इरफान, चलिए मैन ऑफ द मैच के लिए शफीक को मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा। शफीक, द पावर का टावर, बुर्ज खलीफा, शफीक, शफीक मंच पर आएंगे मैन ऑफ द मैच के लिए। और हमारे सलमान शेख साहब, मेरी सलमान शेख साहब से यहां पर गुजारिश होगी कि प्लीज मंच पर आएंगे। यूथ मुंबई सेक्रेटरी हैं, बहुत ही दिल की गहराइयों से हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं और काफी मेहनत की है इस टूर्नामेंट में। चलिए, शफीक और हमारे सलमान साहब से यहाँ पर गुजारिश होगी कि प्लीज, जो कि मुंबई सेक्रेटरी है, सलमान भाई मैन ऑफ द मैच यहाँ पर दे दिया। सलमान शेख साहब का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई गोवंडी सर जमीन से, और बहुत ही अच्छा, एक अच्छा रंग यहाँ पर रचा है इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में। तो चलिए अगले मैच की तरफ चलेंगे, जहां पर शाइनिंग स्टार्स ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। चलिए, शाइनिंग स्टार अपनी फील्डिंग लगाएंगी। और हमारे बीच आदरणीय माननीय
हमारे श्री राहुल कांबले साहब जो कि यूथ मुंबई सेक्रेटरी हैं, उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। हम आपका दिल की गहराइयों से यहाँ पर आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके मूल्यवान समय के साथ यहाँ पर विराजमान होने के लिए। हमारे राहुल कांबले साहब यूथ मुंबई सेक्रेटरी, उनका भी बहुत बहुत ओ भाई साहब सलाम भाई, सलाम भाई, सलाम भाई। चलिए जी बिल्कुल, अब जैसे जैसे वक्त गुजर गया है ग्राउंड की चकाचौंध बढ़ चुकी है और जैसे ही फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है तो हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़े एजाज की बात है कि गोवंडी की टीमों ने अंडर द फ्लड लाइट्स पहला मैच खेला, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत ही फक्र की बात है। और जैसे ही यहाँ पर कैसे आप हमारे मोहम्मद भाई गुरु, इनका भी हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हमारे मोहम्मद भाई। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अब देखेंगे यहाँ पर चकाचौंध बढ़ती जाएगी, फ्लड लाइट ऑन हो चुके हैं और अलग अलग व्यूज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हैंड कैम भी यहाँ पर। अब यहाँ पर छह टीमें खेलेंगी यानी कि तीन मैचेस और होंगे, उसके बाद आप लोगों का मैचेस होगा, नंबर दिया होगा आपने। तो चलिए अब चकाचौंध और देखने को मिलेगी, जिस तरह से हम देख सकते हैं खूबसूरत सी जर्सीज यहाँ पर अता की गई सभी टीमों को, 120 टीमों को यहाँ पर अता की गई, जहां पर हम देख सकते हैं इस 48 टीमों को यहाँ पर जर्सी देने का काम किया हमारे व्यू स्पोर्ट्स के ओनर हमारे सलाउद्दीन भाई। और साथ ही साथ यहाँ पर स्टम्प्स, अब स्टम्प्स जब बिखरेंगे तो हमें अलग अलग चमकती हुई बेल्स भी नजर आएगी, तो वी स्पोर्ट्स का भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे एक बेहतरीन से एक लीडिंग कैमरा वर्क भी करते हैं हमारे वी स्पोर्ट्स के ओनर, और उनके तरफ से हमारे सलाउद्दीन भाई की तरफ से यहाँ पर टी शर्ट और जर्सी भी अदा की गई, एक अच्छा डिजाइन किया गया। और साथ ही साथ अब जो चगमगाती हुई बेल्स जो हमें नजर आएंगी वो भी यहाँ पर हमारे सलाउ भाई, हमारे सलाउद्दीन, उनके वी स्पोर्ट्स की तरफ से यहाँ पर। हेलो, चलिए नारू अपना नंबर दे जाएंगे यहाँ पर, नारू तिरंगा के कैप्टन नारू, तो चलते हैं फिर से एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट राष्ट्रवादी चषक 2024 प्रेजेंटेड बाय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया है, खूबसूरत सा यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना। हम दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेबाक का कार्य सम्राट शेरे महाराष्ट्र इज्जत माब अली जनाब नवाब मलिक साहब और उनकी साहबजादी चीता कैंप की लाडली चहेती और अनुशक्ति नगर विभाग को अपने बिल्कुल हमेशा से अपने दिमाग में लेकर चलते हुए हमारी एक बेबाक लीडर यानी कि सना मलिक साहिबा जो कि आर्किटेक्ट भी हैं, एलएलबी भी हैं, जिनके प्रयत्नों से जिनके मेहनतों से रखा गया खूबसूरत सा खूबसूरत सी प्रतियोगिता राष्ट्रवादी चषक 2024 सीजन 1, जहां पर आए हुए सभी मेहमानों का भी हम दिल की गहराइयों से यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई यूथ प्रेसिडेंट हमारे सुनील साहब जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ हमारे अभिषेक भाई भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही साथ हमारे मेहमान जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तालुका अध्यक्ष यानी कि हमारे विजय गुप्ता साहब जो कि हिंदी भाषा से ताल्लुक रखते हैं और साथ ही साथ हमारे तालुका अध्यक्ष भी हैं,
तो हम उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हमारे रईस अंसारी साहब, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ विजय झा साहब जो वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और राहुल कामले साहब जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, जो कि यूथ मुंबई सेक्रेटरी हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे अपनी उपस्थिति के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हमारी नंदा ताई, उनका भी हम यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। स्वागत तो हम कर चुके हैं, लेकिन एक सम्मान जो उन्होंने दिया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ चीता कैम क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट रफीक शेख साहब, जिन्होंने चीता कैम के क्रिकेट को काफी बुलंदियों तक लेकर जाने का काम किया, उनका भी हम बहुत बहुत दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे बीच मौजूद हमारे एडवोकेट सोहेल भाई, सॉरी सद्दाम भाई, सद्दाम भाई का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अपने कीमती वक्त के साथ हमारे साथ विराजमान होने के लिए, हमारे साथ जलवा अफरोज होने के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हमारे और एक मान्यवर आदित्य गोलप साहब, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे संजय भाई का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे रुपेश भाई वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे अभिषेक भाई तो हमारे साथ जुड़े ही हैं और साथ ही साथ रिफ्रेशमेंट करते हुए हमारे भाई, और साथ ही साथ जी बिल्कुल, ये हमारे अभिषेक भाई की खासियत है, चीजों को आसान करना जानते हैं और वही यहाँ पर करते हुए हमारे लिए। और साथ ही साथ अगर एक नाम ना लिया जाए, यानी कि एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत मेहनत की है, काफी मुशक्कत किया है और काफी खूबसूरत अंदाज में इस टूर्नामेंट को लेकर चले हैं, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 145 के यूथ प्रेसिडेंट सलमान हुसैन, जो यारों के यार दमदार और काफी स्मूथली इस टूर्नामेंट को लेकर चले। और साथ ही साथ उनका साथ देने के लिए मैं दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट रफीक शेख साहब, जिनका नाम ना लिया जाए तो चीता कैंप के क्रिकेट के साथ एक नाइंसाफी हो सकती है। और साथ ही साथ नौजवान दिलों की धड़कन, सभी के चाचू, हमारे बाप, हमारे भाई, और जिन्होंने क्रिकेट के लिहाज से दिए हैं काफी सुनहरे मंजर, यानी कि जलाल संजर साहब यहां पर पूरी मेहनत करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और ग्राउंड की अगर बात की जाए, अली भी हमारे साथ जुड़े, अली का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए, बहुत ही आज सुपर संडे, वाकई में सुपर संडे में हमें काफी सुपर से ऊपर वाले सरप्राइजेस भी दिए जा रहे हैं, यानी कि अब बेल्ट तो यहाँ पर लगाई गई है। व्यू स्पोर्ट्स के ओनर हमारे सलाउद्दीन भाई, उनके तरफ से एलईडी बेल्ट हमें देखने को मिली है, लेकिन साथ ही साथ वाई स्पोर्ट्स की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी। वाई स्पोर्ट्स ने भी यहाँ पर और एक प्यारा सा इंतजाम किया है, और थोड़ी देर के बाद हमें सिर्फ बेल्ट ही नहीं, पूरी की पूरी स्टम्प्स हमें एलईडी में देखने को मिलेगी। तो वाई स्पोर्ट्स ने भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और काफी अनोखी अनोखी चीजें दी है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस ग्राउंड में हम ड्रोन उड़ा नहीं सकते, तो वाई स्पोर्ट ने यहाँ पर जो मुश्किल है उसे मुमकिन कर दिखाया। यहाँ पर ड्रोन तो नहीं उड़ाया, लेकिन ड्रोन का हमें एक नजारा जरूर दिया उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट किया। और साथ ही साथ अगर हम सलाउद्दीन भाई की भी यहाँ पर तारीफ ना करें, हमारे व्यू स्पोर्ट्स के ओनर, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, रंग बिरंगी टी शर्ट, जर्सीज, और ये जो डिजाइन हम देख रहे हैं पूरे राष्ट्रवादी का, और जो हमारा ये खूबसूरत सा कलर है पिंक कलर, उस पिंक कलर को किस तरह से मैच करके एक अच्छी डिजाइन बनाई जाए, वो यहाँ पर डिजाइन बनाकर अता करने का काम किया था हमारे व्यू स्पोर्ट्स के ओनर सलाउद्दीन और उनकी पूरी टीम। तो हम सभी का यहाँ पर दिलों की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे तीनों अंपायर्स का भी हम यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारे अंपायर हैदर, हमारे अंपायर मचा यानी कि समीर, और हमारे अंपायर नदीम, और साथ ही साथ कमेंट्री पैनल में जुड़ने के लिए
मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं रहमत शेख, खूबसूरत सी उभरती हुई आवाज इसीता गेम सरजमीन से, और मैं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट यानी कि कासिम शेख। आप लोगों के साथ जुड़ने का एक एजाज मिला, एक गौरवशाली मौका मिला, जिसके लिए मैं यहाँ पर राष्ट्रवादी चषक का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। चीता कैंप की आवाम का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बढ़ चढ़कर एक खूबसूरत, हमेशा से मुझे एक अच्छे भाई का एक लकब दिया है, अपने एक दोस्त का एक अच्छा लकब दिया है, तो बहुत ही मेरे लिए एक बहुत ही फख्र की बात है। और साथ ही साथ सलाह भाई भी हमारे बीच आते हुए, सलाह भाई का भी हम इस्तकबाल खैर मकदम करेंगे। एक ऐसे शख्सियत है जी बिल्कुल, जो यहाँ पर क्रिकेट के सपोर्ट के लिए डायरेक्टली कुवैत से यहाँ पर आए हैं। कल हमने देखा था कुवैत से डायरेक्ट फ्लाइट आई है, घर पर गए हैं, सिर्फ कपड़ा चेंज किया और सीधा ग्राउंड पर आकर बैठे हैं। और साथ ही साथ हम चलिए यहाँ पर ग्राउंड को क्लियर करेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पिच रिपोर्टिंग का भी काम चल रहा है। चलिए यहाँ पर पिच रिपोर्ट हो चुकी है, पिच की रिपोर्टिंग हो गई है, यानी कि चमचमाती हुई बैट्स भी अब हमें चमकती हुई नजर आएगी, और इस मैच के बाद हमें एलईडी स्टंप्स भी नजर आएगी। मच्चा भाई मचाते हुए इस पूरे टूर्नामेंट में हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और पूरे चीता कैंप के अवाम का, जिन्होंने यहाँ पर जिंदा दिली का हमेशा से एक अच्छा मिसाल दिया है। और इस बीच में फिर से हमारे आए हुए आदरणीय माननीय सम्माननीय हमारे मान्यवर हमारे मोहतबर अजीज व मारूफ जितने भी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका फिर से दिलों की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा, आभार अभिनंदन कहना चाहूँगा। हमारे बीच मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई के यूथ प्रेसिडेंट हमारे सुनील गिरी सर, हम उनका बहुत बहुत दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ रहने के लिए राहुल कांबले सर, जो कि सेक्रेटरी एनसीपी मुंबई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए ग्राउंड को क्लियर करेंगे अंडर द फ्लड स्लाइट। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास झा साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है मुंबई के, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए एडवोकेट सद्दाम नवड़गी सर, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यूथ तालुका के वाइस प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ रईस अंसारी साहब वार्ड प्रेसिडेंट जी बिल्कुल, एक वार्ड नंबर 140 के यूथ प्रेसिडेंट है हमारे रईस अंसारी साहब, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ विजय गुप्ता साहब, जो कि तालुका प्रेसिडेंट है हिंदी भाषी विभाग से, हम उनका भी फिर से यहाँ पर दिल की गहराइयों से यहाँ पर मनपूर्वक एक आभार व्यक्त करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारी नंदा ताई, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही साथ ओन सिद्दीकी साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ राम सावंत साहब, जो कि वार्ड नंबर 144 के यूथ प्रेसिडेंट है, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सलमान शेख साहब, जो कि यूथ सेक्रेटरी है मुंबई के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ सोहेल अंसारी साहब, जो कि यूथ मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यूथ, जो हमारे वार्ड नंबर 145 के यूथ प्रेसिडेंट है सलमान हुसैन, उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ इस इलाके के एक बेबाक खूबसूरत से इंसान, नौजवान दिलों के धड़कन यानी कि हमारे जलाल संजर साहब, और साथ ही साथ हमारे मोहम्मद भाई, उनका भी हम यहाँ पर इस्तकबाल खैर मकदम करेंगे। और साथ ही साथ चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। चीता कैंप क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन के ट्रेजरर हमारे इरफान शेख साहब का भी बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यानी कि रफीक शेख साहब, सभी का स्वागत करेंगे खूबसूरत से भव्य महासंग्राम में। तो चलते हैं आगे का मैच, यहाँ पर शाइनिंग स्टार के बीच में होगा और उसकी कहानी हम सुनेंगे रफी या हमारे रहमत शेख की जुबानी। और साथ ही साथ हमारे अतुल देसाई साहब का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। यूथ तालुका वाइस प्रेसिडेंट है, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे। और साथ ही साथ आमिर खान साहब भी हैं, आमिर खान साहब का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आमिर खान साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इस राष्ट्रवादी मंच से। चलिए हमारे अभिषेक भाई ने यहाँ पर एक
दिली जाहिरी पेश की है कि आमिर खान साहब ग्राउंड में कहीं मौजूद हैं, तो प्लीज मंच की तरफ आएंगे हमारे आमिर खान साहब। चीता कैम के चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस राष्ट्रवादी चषक। और मैं क्राउड से भी अपील करना चाहूंगा, हमारे वॉलंटियर से भी अपील करना चाहूंगा कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, अब मैच शुरू किया जाएगा। और ये मैच जो है लाजवाब है, जबरदस्त है। देखिए एक तरफ शाइनिंग स्टार नजर आएगी तो दूसरी तरफ गैलेक्सी नजर आएगी। और राष्ट्रवादी चषक 2024 सीजन वन, देखिए ये जो कि एक जबरदस्त टूर्नामेंट सना मलिक मैडम और नवाब मलिक सर ने रखा है, और इसके चलते यहाँ पर फ्री एंट्री भी रखी गई है। फ्री एंट्री के साथ खेलने का मौका दिया और फर्स्ट प्राइज 50,000 का इनाम रखा है, सेकंड 30,000 और थर्ड 20,000 का इनाम रखा है। और दोनों ही टीम से गुजारिश भी करना चाहूंगा कि अपना 12 मैन भेजना होगा सर, 12th मैन दोनों ही टीम से गुजारिश है, अपना एक 12वां खिलाड़ी यहां पर भेजें। और पहली गेंद जबरदस्त गेंद, बीट कराने में कामयाब यहां पर गेंदबाज हुसैन। हुसैन नजर आ रहे हैं गेंदबाजी पर। और वॉलंटियर थोड़ा सा आप लोग को जो जितनी भी दर्शक है उन्हें पीछे लेना होगा, दर्शक हमारे प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाए भाई सभी, थोड़ा सा इस मैच का आनंद ले आप। दोनों ही गेंद बिंदी गेंद, तीसरी गेंद यहां पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। डायरेक्ट हिट होता तो यकीनन खतरा हो सकता था, लेकिन यहां पर अंपायर का इशारा, पैरों पे गेंद टकराई थी उसी के कारण अंपायर ने लेग बाय का इशारा किया। यहां पर 3 गेंदे और 1 रन दिया है। हुसैन एक अच्छे गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाज है और बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। ओहो तेजी रफ्तार, बहुत ही तेज गेंद की थी। और यहाँ पर नदीम उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बाहर की, उसी के चलते अंपायर ने उसे वाइट करार दिया, प्लस 1 रन दौड़ के भी लिया गया है, यानी 2 रन में इजाफा होगा, 2 रन का इजाफा हुआ है। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, लेकिन 1 रन मिल जाएगा जरूर, इसी रन के चलते यहां पर स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। देखिए 4 गेंद हुई है, यानी आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर से, 20 गेंदों का खेल है। और इस बार भी जड़ में, इस बार भी ऑकलाइन गेंद और उतना फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज, और 1 रन फिर से मिला, इस 1 रन के चलते स्कोर जा पहुंचा है 5 रन, 5 गेंदों पे 5 रन दिया है। बहुत ही जबरदस्त ओवर घटता हुआ यहां पर, शाइनिंग स्टार का केमा काफी खुश होगा क्योंकि 5 गेंदें की है और केवल 5 रन दिया है, और 5 गेंदों पे 1 ओवर हुआ है। अब देखना होगा दूसरा ओवर किससे दिया जाता है शाइनिंग स्टार की तरफ से। मैच जल्द से जल्द शुरू रखना है सर, मैच किसी भी कारण रुकने ना दे। तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी जो हमारे दरमियान आते हुए साबिर मलिक, जो कि इस टूर्नामेंट के रूह रवा, वो हमारे दरमियान हमारे मंच के करीब आते हुए, देखिए एक खुशनसीब, एक जिंदा दिल इंसान, एक बेहतरीन इंसान जो कि अब हमारे दरमियान नजर आएंगे। चलिए 1 ओवर हुआ है, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। अब गेंदबाजी पर रज़ाक नजर आ रहे हैं।
चलिए मैच जल्द से जल्द शुरू रखें, मैच रुकने ना दे प्लीज। आफिक काफी समय ले रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे। एक तरफ गैलेक्सी है तो दूसरी तरफ शाइनिंग स्टार है, और जो टीम जीतेगी वो आगे बढ़ेगी, जो हारेगी वो अगले साल का इंतजार करेगी। तो देखना होगा, अब रज़ाक सामना करेंगे संजय, सॉरी अफरीद, अफरीद है बल्लेबाजी के लिए, और देखना होगा यहां पर रज़ाक अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ओह बढ़िया शॉट, पॉइंट के ऊपर खेला है, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन, जबरदस्त बल्लेबाजी, पॉइंट के ऊपर से खेला था और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त यहां पर हिट लगाया है। और यहां पर देखिए अफरीदी से यहां पर जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस अंदाज से खेल रहे हैं, ये अब रनों को बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि पहले ओवर में रन काफी कम आया था। और रज़ाक जैसे गेंदबाज के पास पहली ही गेंद पे छक्का लगाया है, अब देखना होगा रज़ाक। दूसरी गेंद, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां मौजूद, और यहां पर कैच छूटा है, दिल टूटा होगा यहां पर रज़ाक का। देखिए जिस तरह से फैजू वहां थे और वो गेंद तक आ चुके थे, गेंद पकड़ भी ली थी, उसके बाद कैच छूटा है और दिल टूटा होगा यहां पर रज़ाक का। और मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर आरिफ शेख साहब, वो भी यहाँ पर घाट के ऊपर तालुका प्रेसिडेंट है, तो वो भी यहाँ पर मंच पर आए हैं, हम उनका भी शुक्रगुजार करेंगे कि वो यहाँ पर मौजूद है। चलिए रज़ाक फिर से गेंदबाजी पर, इस बार भी बढ़िया शॉट खेला है, 1 रन मिल जाएगा आसानी से जी, 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा, अच्छा बैकअप वहां पर। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 3 गेंदें हुई है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अब यहां से देखना होगा, देखिए सभी अच्छी टीमें अब खेलते हुए नजर आएगी, सभी जबरदस्त टीमें हैं, सभी क्वालिफाई करने वाली टीमें हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। और इस बार ऊंचा शॉट है, देखना होगा गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद, और इस बार कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच यहां पर लिया है, और पूरी तरह से देखे गेंदों पर निगाह रखना होता है, इस तरह का कैच लेना होता है। देखिए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हैदर सर, समीर सर, मैच किसी भी कारण रुकने ना दें और मैच जल्द से जल्द शुरू रखें, और बल्लेबाजी टीम से भी गुजारिश करूंगा जैसे ही विकेट गिरती है तो एक बल्लेबाज रेडी रखिए, किसे भेजना है तैयार रखिए, समय ज्यादा ना ले और जल्द से जल्द मैच को शुरू रखे। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा कैच लिया है, एक अच्छा कैच लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिए इससे पहले कैच छूटा था, उसका नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार कैच पकड़ा, और कैच पकड़ोगे तो मैच जीतोगे, इस तरह का कैच था वो। और देखना होगा फिर से रज़ाक, तो देखिए शाइनिंग स्टार और गैलेक्सी दोनों ही क्वालिफाई करके आए थे, यहां पर फिर से गेंद हवा में, इस बार गलती कर बैठे, इस बार थोड़ा सा आसानी से कैच को लपकना चाहते थे, और यहां पर देखिए एक चूक, एक भूल आपको मैच से दूर ले जाएगी, और आपने यहां पर कहीं ना कहीं आसान कैच को मुश्किल बनाया, और उसी के कारण यहां पे 2 रन का इजाफा हुआ, तो ओवर हुआ है 2 ओवर के बाद, स्कोर जा पहुंचा है 16 रन, 2 ओवर 16 रन। देखिए गैलेक्सी और शाइनिंग स्टार दोनों ही क्वालिफाई करने वाली टीम थी, और अब इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा यहां पे 1 ओवर 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। अब देखना होगा कौन सा गेंदबाज आएगा, और गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं, बॉलर नेम प्लीज, अय्यूब, अय्यूब आए हैं अब गेंदबाजी के लिए।
और पहली ही गेंद अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा इमरान 11 वर्सेस खुशी फाइटर के दरमियान। ओहो बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, आगे रखी गई थी और बल्लेबाज बल्ला घुमाया जरूर था लेकिन बे गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं यहां पर बीट हुए। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा शाइनिंग के गेंदबाज कर रहे हैं, प्रेशर बनाया है पूरी तरीके से। अब देखना होगा अयो फिर से बढ़िया गेंद, फिर से अच्छी गेंदबाजी की है लेकिन एक रन अंपायर का इशारा लेग बाय। इस एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, दो गेंदे हुई है अभी भी, 3 गेंदे आना बाकी है इस ओवर की और 18 रन बन चुके हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज देखिए आसानी से खेल रहे, बड़े बड़े हिट लगा नहीं पा रहे और हमारे दरमियान रशीद भाई उनका भी हम सम्मान करेंगे, उनका भी यहाँ पर मंच में स्वागत करेंगे। इस बार देखिए ये 6 लगाकर स्वागत किया है रशीद भाई का, बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। तो रशीद भाई आए हैं, हम दिलों की गहराई से आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मंच पर आए और मंच की शोभा को बढ़ाया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ पर आए हैं। इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला लेकिन एक रन मिल जाएगा आसानी से, इस एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, 25। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है, अब यहां से 6 गेंदों का खेल बचा है। अब देखना होगा आने वाली 6 गेंदों पे कितना रन बनता है, लेकिन आखिरी गेंद है अयूब की और आफरीद देखना होगा किस तरह से खेलेंगे। और ऊंचा शॉट है लेकिन देखना होगा क्या दूरी नहीं मिलेगी और यहां पर बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच, इस बार कोई गलती नहीं खिलाड़ी से और इस बार कैच लेने में भी कामयाब हुए हैं। तो यहां पर 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, 25। तो 25 रन हुआ है गैलेक्सी का 2 विकेटों के नुकसान पर और इसके बाद जो मुकाबला होगा खुशी फाइटर वर्सेस इमरान 11 के दरमियान। तो दोनों ही टीमें रेडी रहे, जैसे ही ये ओवर होता है तो टॉस के लिए आना होगा और फिर उसके बाद एक घमासान मुकाबला देखने के लिए मिलेगा फिरोज 11 वर्सेस ब्रो के दरमियान। तो हमारे दरमियान यहां पर रशीद भाई मौजूद है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो मंच पर विराजमान है और सूरज कदम साहब मलबार हिल यूथ के और संकेत साहब यूथ वार्ड प्रेसिडेंट, हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मंच पर आए और मंच की शोभा को बढ़ाया है, अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, जितने भी हमारे यहाँ पर मंच पे मौजूद हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और अब आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दस्तगीर और पहली ही गेंद वाइड की है, एक्स्ट्रा की है और यहाँ पर स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 26, 26 रन। और तीनों ही अंपायर क्वालिटी अंपायर आप देख सकते हैं, एक तरफ हैदर, दूसरी तरफ नदीम, तीसरी तरफ समीर मचा, तीनों ही ने बहुत ही बखूबी रोल अदा किया है, बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा दिया है, हम इन तीनों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो यहां पर देखिए 2 गेंदे की है, दोनों ही वाइड की है, एक्स्ट्रा की है। अब देखना होगा यहां पर दस्तगीर एक्स्ट्रा के रूप में रन लुटाते हुए नजर आए अब तक। अब देखना होगा यहाँ पे दस्तगीर क्या अपनी लय तलाश कर रहे हैं, क्या लय में गेंद कर पाएंगे, क्या ठिकाने पे गेंद कर पाएंगे। और इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे आफिक, कप्तान मौजूद और कप्तान से कैच छूटा है और जुबैर रन आउट का मौका भी छूटा है। एक ही गेंद पे 2 मौके दिया है इन्होंने, एक तो कैच छोड़ा, दूसरा रन आउट छोड़ा और ये गलती कर बैठे हैं। देखिए एक एक रन कितना इंपॉर्टेंट होगा ये आपको चेजिंग करते समय पता चल जाएगा, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, आपको कैचेस पकड़ना है, मैचेस जीतना है, ऐसे प्लेटफॉर्म में आकर आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। एक अच्छे क्वालिफाई होकर आप आई हुई टीम है, एक जबरदस्त टीम है और ऐसे मुकाबले में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, लेकिन यहाँ पर कैच छूटा है और गेंदबाज का दिल टूटा है।
अभी भी चार गेंदे आना बाकी, दस्तगीर अपने ओवर की दूसरी गेंद। ओ जबरदस्त गेंद, बढ़िया गेंद, यहां पर हेलीकॉप्टर घुमा जरूर था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और यहां पर बहुत ही अच्छी गेंद की लेग कटर हुई और उसी के चलते बीट भी कराने में कामयाब हुए दस्तगीर। अब देखना होगा, अभी भी तीन गेंदे आना बाकी है, आने वाली तीन गेंदे किस तरह की करते हुए नजर आएंगे। इस बार ऊंचा शॉट है और गैप में भी है, खिलाड़ी मौजूद है और दो रन के लिए दौड़ पड़ी है। अब दो रन क्या कंप्लीट है देखना होगा, अंपायर ने नट आउट करार दे दिया है, दो रन कंप्लीट हो चुका है। इस दो रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, तीन गेंदे आना बाकी है, दो बॉल आना बाकी है, तीन गेंदे हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। देखिए धीरे धीरे करके रनों को बढ़ाते चले गए, भले से बड़े हिट आए नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने 31 रन बना लिया है। और आप देख सकते हैं डे नाइट, ये पहली बार ही चिता कैम में मैच रखा गया है और हम शुक्रगुजार हैं सना मलिक मैडम का, जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। और यहाँ पर रन आउट का मौका, रन आउट, यहाँ पर रन आउट होकर जाना होगा बल्लेबाज को। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज आएगा। तो सोहेल आउट होकर गए हैं, देखिए यहां पर अब आने वाला बल्लेबाज जुनेद, जुनेद आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। अब देखना होगा जुनेद किस तरह खेलेंगे, लेकिन अब केवल एक ही गेंद बची है, आखिरी गेंद है और स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। और इस बार फिर से गेंद हवा में थी, एक रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश होगी लेकिन एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। और इस एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, 32 रन हुए, 33 का लक्ष्य दिया गया है। और वहां पे जो बच्चा खेल रहा है प्लीज वहां से हटा ले, वहां वॉलंटियर हमारे। तो 32 रन हुआ है, 33 रनों का लक्ष्य दिया है गैलेक्सी को, अगर ये मैच जीतना है तो 32 रन पे ही रोकना होगा, 32 से कम रनों पे रोकना होगा। और इसी तरह अगर शाइनिंग को ये मुकाबला जीतना है तो 33 रन बनाकर जीतना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐसा टूर्नामेंट जो कि चिता कैम्प में कभी नहीं हुआ, फ्री में एंट्री रखी गई, साथ ही साथ खूबसूरत जर्सी दी गई, साथ ही साथ चार कैमरे का इस्तेमाल किया गया, वॉइस स्पोर्ट का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, और साथ ही साथ तीन क्वालिटी एम्पायर रखे गए, दो कमेंटेटर रखे गए, और यहां पर डे और नाइट का मुकाबला भी रखा गया, मैच भी रखा गया। और साथ ही साथ आप देखेंगे सभी टीमों के लिए, यानी जो फाइनलिस्ट टीम है उसके लिए 50,000 का इनाम, और जो सेकंड आएगी उसे 30,000, और जो थर्ड आएगी उसे 20,000 का इनाम दिया जाएगा। तो ऐसा टूर्नामेंट जो फ्री एंट्री रखी गई थी उसमें प्राइज मनी भी दी जा रही है, ये चिता कैम्प में कभी नहीं हुआ था, जो सना मलिक मैडम ने करके दिखाया है। और वो जानते हैं कि चिता कैम्प तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो मैच है वो सभी मैच बहुत ही बेहतरीन नजर आएंगे। चलिए फील्डिंग जल्द से जल्द सजा लें और मैच जल्द से जल्द शुरू रखें। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर शाइनिंग स्टार अपने बल्लेबाज भेजना है क्योंकि समय ज्यादा ना ले और जल्द से जल्द मैच को शुरू रखें। और जायका, हमारे जायका के ऑनर देखिए वो भी यहाँ पर ऑफर रखा है, उन्होंने भी 30% का डिस्काउंट दिया, 40% का डिस्काउंट रखा है, फर्स्ट प्राइज जो जीतेगा उसे, और जो सेकंड प्राइज है उसे 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा जायका के ऑनर की तरफ से। देखिए जो शब्बीर होटल था पहले, अब वो जायका के नाम में तब्दील किया गया है और जायका वाले ने अब इसे
लिया है तो उन्होंने वहां पर ऑफर रखा गया है कि बहुत ही बेहतरीन बहुत ही जबरदस्त टेस्ट होता है खाने में उनके। इस बार ऊंचा शॉट बड़ा शॉट गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार। अंपायर के निर्णय का इंतजार और अंपायर देखिए यहां पर समीर मचा है और हैदर सर ने वहां से इशारा किया है कि ये 6 रन है। जी बिल्कुल ये 6 रन है और क्लीन सिक्स है तो यहां पर पहली ही गेंद पे छक्का लगाया है रज्जाक ने। अब देखना होगा यहां पर गेंदबाज फिर से बढ़िया गेंद इस बार थोड़ी सी बाहर लेकिन अंपायर ने उसे वाइड करार दिया और यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। देखिए टोटल बनाना है जीतने के लिए 33 रन बनाना है पहली ही गेंद पे 7 रन बना लिए गए हैं। 20 गेंदों का ये खेल है 20 गेंदों पे 33 रन बनाना था अब एक गेंद पे 7 रन बना लिया है। अब देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद और इस बार भी बढ़िया शॉट खेला है गैप में खेला है गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रन बेहतरीन शॉट यहां पर रज्जाक जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ और प्रेशर में रखता हुआ गेंदबाज को यहां पर देखिए पहली गेंद पे छक्का लगाया दूसरी वाइड अब तीसरी गेंद पे यहां पर चौका लगाया यानी 2 गेंदे हुई है स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। अभी भी 3 गेंदे आना बाकी इस ओवर की और हम सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट की भी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ये जो क्रिकेट यहाँ नजर आ रहा है वो उन्हीं की बदौलत है उन्होंने पूरा साथ दिया है पूरा योगदान दिया है और जितना हम उनका शुक्रिया अदा करें उतना कम है। तो चलिए मैच की ओर अब तीसरी गेंद लेकर तैयार फुल टॉस और उसे घुटना टेक तमाशा देख उस तरह का शॉट लगा दिया है गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 6 रन जबरदस्त बल्लेबाजी बेहतरीन बल्लेबाजी। इमरान 11 की टीम से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको गेट के पास जाना है आपकी टीम के साथ इमरान 11 की टीम शाकिर शाकिब पूरी टीम को लेकर जाए गेट के पास जाना है। इस बार ऊंचा शॉट है गेंद गई है सीमा रेखा पार चौकार इस चार के चलते स्कोर को बढ़ा दिया स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 21 देखिए 33 रन बनाना था उसमें से एक गेंद अभी भी आना बाकी है यानी 4 गेंदों पे 21 रन बना लिया है। अब यहां से सोलह गेंदे बची है अब 16 गेंदों पर 12 ही रनों की जरूरत है बहुत ही लाजवाब बहुत ही उम्दा पारी खेल रहे हैं रज्जाक। ओ हो यहां पर देखिए
कमेंटेटर के पास यहाँ पर खेल दिया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमर के पार, 6 रन, जबरदस्त बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। मैच अब पूरी तरह से शाइनिंग स्टार के पक्ष में है, क्योंकि अब जीतने के लिए केवल 6 रनों की जरूरत है और गेंदे रह गई है 15। अब 15 गेंदों पे 6 रनों की जरूरत। क्या बल्लेबाजी की है रज्जाक ने, जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा, और रज्जाक जो कि पूरी तरह से फायर करते हुए नजर आए हैं गेंदबाज को, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा, आला दर्जे की बल्लेबाजी की है। और देखिए क्वालिफाई होने वाली टीम कमजोर नहीं होती है, लेकिन इन्होंने उस तरह की पारी खेली है, सामने वाली टीम को पूरा कमजोर कर दिया है। अब 15 गेंदों पे केवल 6 रनों की जरूरत है, तो देखना होगा क्या विनिंग पारी नदीम खेल जाएंगे या फिर रज्जाक को मौका देंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी, बहुत ही आला दर्जे की यहाँ पर बल्लेबाजी, और इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा खुशी फाइटर और इमरान 11। तो पहली ही बिंदी गेंद, पहली ही गेंद हैदर भाई, ओ इस बार फिर से बिंदी गेंद, 2 बैक टू बैक बिंदी गेंदे, पहली गेंद पे भी कोई रन नहीं और इस गेंद पे भी बीट हुए 2 गेंदों पर, दोनों ही गेंद पे कोई रन नहीं। अच्छी वापसी यहां पर, अच्छी गेंदबाजी। अब देखना होगा यहां से 13 गेंदे बची है और 13 गेंदों पे 6 रनों की जरूरत है। अब रज्जाक कुछ कह के गए हैं कि आप सिंगल लेकर भी मौका देंगे तो वो बड़ा हिट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊंचा शॉट खेला, गेंद हवा में, खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर रह गई है, इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, 28 रन। अब जीतने के लिए केवल 5 रनों की जरूरत है और रज्जाक ये बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है। अब यहाँ पे देखना होगा किस तरह से रज्जाक ये 5 रन बना पाएंगे, क्या विनिंग शॉट लगाएंगे, क्या छक्का लगाएंगे, या गेंदबाज यहां से विकेट ले जाएगा। ओ बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, तेजी है, रफ्तार है गेंदबाज के पास और यहां पर दुविधा में रखा है, परेशान किया अपनी गेंदबाजी से, और 1 रन मिल जाएगा जरूर, लेग बाय का इशारा अंपायर का। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। देखिए 4 गेंदे की है, केवल 2 रन दिया है, बहुत ही अच्छा ओवर घट रहा है यहाँ पर। गेंदबाज सादिक नजर आए हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, देखिए सादिक एक अच्छे ऑलराउंडर भी है और बढ़िया गेंदबाजी की है। 4 गेंदे हो गई है, अब आखिरी गेंद, थोड़ा सा लड़खड़ाए और थोड़ा सा यहां पर फंबल हुए, फिर से अपने आप को रीलोड करेंगे। तो 4 गेंदे हुई है, अभी भी 1 गेंद आना बाकी है और आप देखेंगे यहाँ पर एक जबरदस्त टूर्नामेंट। और बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, यहाँ पर अच्छा ओवर घटा है। एक बार सादिक के लिए बहुत जोरदार तालियां होना चाहिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है। देखिए पहले ओवर में जरूर 27 रन गए थे, लेकिन इस ओवर में केवल 2 रन दिया है उन्होंने। तो अब यहां से 10 गेंदे बची है, 10 गेंदों पे 4 रनों की जरूरत, 10 गेंदे 4 रन। अब देखना होगा ये रन कितनी गेंदों पे चेज होगा या फिर गेंदबाज यहां से कुछ कमाल दिखा पाएंगे, मैडन ओवर आएगा, देखना होगा। इस बार भी अच्छी गेंद है और रनआउट का मौका है, लेकिन यहाँ पर खतरा टला। अब जीतने के लिए केवल 3 रनों की जरूरत, 3 रन चाहिए जीतने के लिए। यहाँ पर देखिए फील्डिंग अच्छी करनी होगी, एक एक रन काफी इंपॉर्टेंट है। अहमद आए हैं गेंदबाजी के लिए, अहमद एक अच्छे गेंदबाज है, पहली ही गेंद देखिए बहुत अच्छी की थी, थोड़ा सा खिलाड़ी ने उनका साथ नहीं दिया। अब देखना होगा यहाँ से
नदीम अब तक खामोश रहा है इनका बल्ला, अभी भी तीन रनों की जरूरत है, नौ गेंदे हैं और इस बार भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक रन मिल गया यहां पे, अब जीतने के लिए केवल दो रनों की जरूरत, आठ गेंदे दो रन। अब यहां पर इंतजार है हमारे नवाब मलिक सर का और सना मलिक मैडम का, तो देखना होगा इंतजार हमारा कब खत्म होगा, जिनकी बदौलत इतना बड़ा टूर्नामेंट हमें मिला है। तो यहां पर देखिए फिर से एक रन लिया है और अब जीतने के लिए केवल एक रनों की जरूरत, केवल एक रन चाहिए आप जीतने के लिए। अभी भी सात गेंदे आना बाकी है, सात गेंदों पे एक रनों की जरूरत। ये मुकाबला शाइनिंग स्टार के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर चूक की है विकेट कीपर ने और मिल गए पूरे चार, अंपायर ने वाइड भी करार दे दी थी और यहां पर शाइनिंग स्टार ने मैच जीता है और कहीं ना कहीं हार्ड लक यहां पर गैलेक्सी को, मैन ऑफ द मैच के हकदार देखना होगा कौन से खिलाड़ी को दिया जाएगा। रज्जाक, रज्जाक आ जाए मैन ऑफ द मैच के लिए, रज्जाक जिन्हें साबिर भाई के हाथों से, शुभ हाथों से हम देंगे ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। ये रज़ाक आ जाए, रज़ाक, रज़ाक एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए रज़ाक के लिए जिन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया है। देखिए गेंदबाजी में कहीं ना कहीं महंगे साबित हो रहे लेकिन बल्लेबाजी में जबरदस्त दमखम दिखाया हमारे कैमरामैन, थोड़ा सा फोकस करना है। तो जिशान ब्रो के जिशान भी आ जाए, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए रज्जाक के लिए, क्या पारी खेली, क्या बढ़िया पारी खेली हमारे साबिर भाई के शुभ हाथों से, ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला बल्लेबाजी। चलिए जिशान ब्रो, जिशान ब्रो जिसे मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया था, तो जिशान ब्रो को भी ये मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी दी जाएगी। साबिर भाई एक बार और फिर से तकलीफ, तो यहां पर जिशान ब्रो के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। जिशान ब्रो जबरदस्त बल्लेबाज, छह छक्के लगाए थे इन्होंने एक ही ओवर में, छह छक्के, दो ट्रॉफी उनके नाम, क्योंकि दो बार दो इनिंग ऐसी खेली थी जो अकेले दम पर अपनी टीम को मैच जिताया था। तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए जिशान ब्रो के लिए। चलिए वेल प्लेड जिशान, जबरदस्त बल्लेबाजी और बल्लेबाजी में सबसे टॉप पे। और हमारे दरमियान नवाब मलिक साहब और सना मलिक मैडम,
हमारे बीच जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे बीच हमारे दरमियान दस्तक दे चुके हैं जिस इलाके के दो बार कार्य सम्राट शेर महाराष्ट्र माप आली जनाब नवाब मलिक साहब जिनका बेसब्री से हम यहाँ पर इंतजार कर रहे थे वो घड़ी यहाँ पर आ चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर दस्तक दे दी है और साथ ही साथ इस इलाके की बिल्कुल लीडर और एक यूथ लीडर हमारे सना मलिक साहब उनका भी यहाँ पर दिल के गहराइयों से इस्तकबाल कर मतदान करेंगे जो कि इस इलाके एक बेबाक आर्किटेक्ट और साथ ही साथ एमएलबी भी है और हम हमारे दमदार आमदार उनका दिल के गहराइयों से फिर से एक बार इस्तकबाल कर मतदान करना चाहेंगे इस इलाके के हमारे इस इलाके के हमारे दमदार आमदार जिनका दार सभी लोगों के लिए बिल्कुल आमदार ऐसे दमदार आमदार हमारे बीच आ चुके हैं जो कि हमारे बिल्कुल माजी मंत्री भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र कैबिनेट के हमारे नवाब मलिक साहब और उनकी साहबजादी हमारी सना मलिक साहिबा वो भी हमारे बीच यहाँ पर आ चुके हैं और आए हुए अजीजों मारूफ सभी मेहमानों का हम दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। चलिए ग्राउंड को क्लियर करेंगे और यहाँ पर टॉस भी कराना है तो हम चाहेंगे हमारे बेबाक कार्य सम्राट इज्जत माँ बाली जनाब नवाब मलिक साहब के मुबारक हाथों से नहीं तो जी बिल्कुल विरासत में खिदमत खल्क अपने हाथ में लिया है हमारी सना मलिक साहिबा ने तो इंशाल्लाह चाहते हैं हमारे नवाब साहब की जो टॉस है वो हमारी सना मलिक साहिबा के मुबारक हाथों से यहाँ पर टॉस किया जाएगा। दोनों ही कप्तानों से यहाँ पर गुजारिश होगी कि प्लीज टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। हेलो। चलिए हमारे बीच दमदार आमदार ने अपनी दस्तक दे दी है। हम इज्जत नाब आली जनाब नवाब मलिक साहब का बहुत बहुत दिलों की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आए हुए सभी अजीज मारूफ मेहमानों का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहाँ पर टॉस हो चुका है, वक्त को जरा भी यहाँ पर जाया करना चाहेंगे नहीं। आए हुए सभी अजीज मारूफ मेहमानों का भी हम दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल खैर मकदम करना चाहेंगे। हमारे सभी मेहमान यहाँ पर दस्तक दे चुके हैं। मैच की शुरुआत करेंगे, ग्राउंड को क्लियर करेंगे जी बिल्कुल हमारे दमदार आमदार यानी कि बेबाक कार्य सम्राट इज्जत माँ बाली जनाब नवाब मलिक साहब जिन्होंने एक खूबसूरत अंदाज में खिदमत खल की और उसी खिदमत खल को विरासत में अपने साथ लेकर चलती हुई हमारी यूथ लीडर जो है निडर काफी बेहतरीन अंदाज से हर चीजों का यहाँ पर जवाब भी दिया और उसका समाधान भी दिया। बिल्कुल चलिए मैच की शुरुआत करेंगे। मैच के हेलो चलिए मैच की शुरुआत करेंगे। इमरान इलेवन ने टॉस जीता है। जल्द से जल्द क्या करेंगे, जल्द से जल्द
चलिए वॉलेंटियर्स, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना यहाँ पर लिखा गया है, और अनुशक्ति नगर विधानसभा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का जुनून है क्रिकेट, और एक क्रिकेट के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित किया राष्ट्रवादी चषक 2024। तो चलिए ग्राउंड को क्लियर करें, हमें बहुत सारे मैचेस कराने हमारे गंदा राम बीच। चलिए मैच को स्टार्ट करेंगे, ग्राउंड को क्लियर करेंगे। हेलो, तो सूरज कदम साहब हमारे दरमियान मौजूद है, संकेत साहब हेलो धन्यवाद भेजना है सर। हेलो मैच शुरू कीजिए और ग्राउंड खाली कीजिए प्लीज। मैं सभी दर्शकों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बाउंड्री के पीछे आ जाए, हमारे जितने भी दर्शक है प्लीज मैच का आनंद ले और पीछे आ जाए। इमरान 11 चलिए, खुशी फाइटर अपनी फील्डिंग सॉरी बैटिंग के लिए बल्लेबाज भेजना है। चलिए जल्द से जल्द ग्राउंड को क्लियर करेंगे, और हमारे सभी वॉलेंटियर से फिर से मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि प्लीज काफी अच्छा आप लोगों ने सहयोग दिया है और राष्ट्र को संबोधित किया गया। 5 दिन का एक खूबसूरत सा क्रिकेट टूर्नामेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया, एक खूबसूरत सा तोहफा जो कि हिंदुस्तान भारत की जुनून को यहां पर दर्शाता है क्रिकेट के माध्यम से। चलिए ग्राउंड को क्लियर करेंगे, अंपायर्स अपनी पोजीशन लेंगे। हमारे जलाल संजर साहब भी बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर क्रिकेट का एक सुनहरा मंजर देते हैं, हमारे जलाल संजर साहब वो भी काफी मेहनत करते हुए, और साथ ही साथ वार्ड नंबर 145 के यूथ प्रेसिडेंट सलमान हुसैन, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए ग्राउंड को क्लियर करें, काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हमारे सलमान हुसैन वार्ड नंबर 145 के यूथ प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। और मैं सभी वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा कि प्लीज, क्योंकि क्रिकेट यार कहते ना कि क्रिकेट का दूसरा नाम यानी कि चीता कैंप, और चीता कैंप में इस तरह के नजारे हमें देखने को मिलते हैं, और इसलिए भी देखने मिल रहे हैं क्योंकि हमारे बेबाक कार्य सम्राट शेर महाराष्ट्र इज्जत महाबाली जनाब नवाब मलिक साहब को बड़ी मुश्किलों से देखने का नजारा मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज काफी हमने सुना भी कि थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, जिसकी वजह से आज बहुत दिनों के बाद आज नजारे देखने को मिले हमारे नवाब साहब के। तो बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे अपने लोगों के बीच में आना, खिदमत कल किया, और खिदमत कल को लेकर चलते हुए विरासत में हमारी एक बेबाक लीडर जो कि यूथ लीडर हैं, नीडर हैं, और काफी अच्छे अंदाज में प्रवक्ता भी हैं एनसीपी की तरफ से, और जो भी उनसे सवाल पूछे गए सवाल के लाजवाब जवाब भी दिए गए और समाधान भी दिया गया हमारी सना मलिक मैडम साहिबा की तरफ से हर एक चीज का। और इस बीच हमारे बीच सिराज भाई और हमारे इब्राहिम भाई जो कि वार्ड अध्यक्ष हैं, उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल होगा। प्लीज आएंगे मंच पर हमारे सभी मेहमान, अजीज व मारूफ मेहमान, मैं सभी से यहाँ पर गुजारिश करूंगा। मैच की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, इमरान 11 ने अपनी फील्डिंग यहाँ पर लगा ली है, और खुशी फाइटर्स और इस बीच हमारे बीच इस दरमियान हमारे इस मंच की जीनत बढ़ाते हुए हम देख सकते हैं हमारे अपने सबके चहीते बेबाक कार्य सम्राट दमदार आमदार नवाब मलिक साहब, जिन्होंने यहाँ पर दस्तक दे दी है। साथ ही साथ इस इलाके की चहीती लाडली और अनुशक्ति नगर विभाग के विधानसभा क्षेत्र की एक और एक बेहतरीन सी लीडर सना मलिक साहिबा वो हमारे बीच आ चुकी हैं, और साथ ही साथ हमारे साबिर भाई
जो कि हमारे नवाब साहब के साहबजादे हैं और माशाल्लाह से आज सुबह से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए हमें नजर आए हमारे साबिर भाई। और साथ ही साथ हमारे बीच मौजूद होने के लिए हम दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अजीज व मारूफ हमारे हाजी मुकलेश साहब साहब जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम आपका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद रहने के लिए हमारे इस मुंबई के यूथ प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे सुनील गिरी साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हमारे विजय गुप्ता साहब, उनका भी हम बहुत बहुत यहाँ पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ नसीम खान साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जुड़ने के लिए हमारे साथ। और साथ ही साथ हमारे अभिषेक भाई, उनका भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ हमारे चीता कैंप के क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे रफीक शेख साहब, उनका भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ हमारे जलाल संजर साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और आए हुए सभी हमारे अजीज व मारूफ मेहमान और भी हमारे मोतबर मान्यवर जो मंच पर मौजूद हैं, हम सभी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए 20 मिनट का यहाँ पर वक्त दिया जाता है, तो मैच को जल्द से जल्द खेलना है और हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है, फख्र की बात है कि नवाब मलिक साहब दमदार आमदार खुद यहाँ पर आए हैं जायजा लेने के लिए इस मैच का। और हमारे इस दरमियान हमारे साथ इस मंच की जीनत बढ़ाते हुए हम हमारे राशिद भाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ मलबार हिल यूथ तालुका प्रेजेंट यूथ प्रेसिडेंट तालुका के हमारे सूरज कदम साहब, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी वार्ड प्रेसिडेंट साहब यानी कि हमारे वल्ली तेवर साहब, उनसे भी यहाँ पर गुजारिश होगी कि प्लीज मंच पर आएंगे हमारे वल्ली तेवर साहब। और हमारे बीच आते हुए प्रवीण सालुंके जी, प्रवीण सालवे जी, हम उनका भी यहाँ पर साथ ही साथ हमारे बीच मौजूद हमारे संकेत भाई यूथ वार्ड प्रेसिडेंट, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत से मुहिम के साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ पुष्पा तिवारी वार्ड प्रेसिडेंट, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। समीर खान साहब, उनका भी हम बहुत बहुत दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे हाजी मुकलेश भाई जो कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मोहम्मद नसीब खान, हमारे गनी भाई, हमारे अहमद भाई, हमारे यासीन भाई, हमारे इब्राहिम बंदे शाह भाई, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सिराज भाई का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। गफ्फार भाई, हमारे सोहेल भाई, हमारी वल्ली तेवर भाई और साथ ही साथ प्रवीण सालवे साहब, हम सभी हमारे आए हुए मान्यवरों का, हमारे अजीज व मारूफ मेहमानों का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 3 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद, 3 रन यहां पर हो चुका है स्कोर कार्ड पर। जहां पर इमरान 11 और खुशी फाइटर्स के बीच में चलता हुआ घमासान सा मैच है, जहां पर खुशी फाइटर्स ने काफी अच्छे फाइट्स की इस टूर्नामेंट में और एक बेहतरीन मौके तक पहुंचने का इजाज़ हासिल किया है। और ये देखना होगा, एक बड़ा हिट है, गेंद ऊपर है, नीचे फील्डर है, क्या कैच पकड़ लेंगे जी, बिल्कुल बड़ी विकेट यहाँ पर फाइटर्स का, और एक फाइटर आउट होकर नो डाउट डगआउट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और एक बड़ी विकेट आपने नाम कर ली है, जेनू जैसे बल्लेबाज को आउट करके डगआउट का रास्ता दिखाया है। और बहुत ही बेहतरीन चमचमाती हुई एक कमाल का ये जो ग्राउंड है, और दरमियान हमारे बीच उपस्थित होने के लिए हम मान्यवर हमारे पैथान साहब और हमारे अनिल साबले साहब, हम हमारे दोनों साहब का भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सर आपका मंच पर आना हमारे लिए, इस मंच की जीनत बनना और इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आभार और धन्यवाद कहते हैं। और इस बीच बहुत ही अच्छी तेज तरवारी गेंद और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रचा गया, यानी कि चीता कैम, क्रिकेट का दूसरा नाम यानी कि चीता कैम, भारत का दूसरा नाम यानी कि क्रिकेट। और क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ आज एक
खेल नहीं है, एक एहसास है, एक धर्म है, एक जज्बात है जो कि पूरे भारतवर्ष में चलता है। और क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ आज एक खेल नहीं है, एक तो प्रोफेशनल लेवल की अगर बात की जाए तो क्रिकेट काफी आगे निकल चुका है। और उसी चीज को अपने मद्देनजर रखते हुए हमारे बेबाक कार्य सम्राट इज्जत इमाम अली जनाब नवाब मलिक साहब और उनकी शहजादी साहबजादी जो कि बहुत ही कमाल के अंदाज में यहाँ पर सभी यूथ को लेकर चलते हुए उनके जुनून को देखा है, उनके प्यार को देखा है, उन्हें क्या चाहिए उन चीजों का ख्याल रखा है। और एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट चीता गेम की सरजमीन पर ही नहीं पूरे अनुशक्ति नगर के विधानसभा क्षेत्र में जहां पर हमने देखा 120 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और जहां पर एंट्री फीस कोई नहीं ली गई, चमचमाती हुई ट्रॉफीज भी यहां पर अता की जाएगी। साथ ही साथ जो बेहतरीन सी यहां पर हम जर्सी देख रहे हैं वो जर्सी भी यहां पर पूरे 120 टीमों को अता की गई। और बहुत ही खूबसूरत सा एक और एक मौका यहां पर दिया गया कि जहां पर टीमों ने एंट्री फीस कुछ दी नहीं है और उन्हें यहां पर तीन टीमों को लाख रुपए देने का यहां पर इरादा किया, जहां पर पहला प्राइज दिया जाएगा 50,000 का, दूसरा प्राइज दिया जाएगा 30,000 का और तीसरा प्राइज दिया जाएगा 20,000 का। तो बच्चे वहां पर जितने भी यहां पर खेल रहे बाहर हो जाए प्लीज। मैराथन भी रखा गया है लेकिन आज नहीं है मैराथन, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती वाले दिन भी यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है हमारी बेबाक सना मलिक साहिबा की तरफ से, जहां पर हम दौड़ सकते हैं। दौड़ेंगे कहां से, यानी कि हम दौड़ लगाएंगे हमारे अनुशक्ति नगर डेपो से लेकर देवनाथ डेपो तक, और जो इंटॉक्सिनेशन जिसे कहते हैं ना, जो टॉक्सिक अंदर होता है, जो जहर होता है, उसे पसीने के माध्यम से बाहर लाएंगे और स्वस्थ रहेंगे और फिट रहेंगे। तो और साथ ही साथ हमने देखा था आज के दिन यानी कि 29 सितंबर 2024 को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन भी रखा गया था। कितना हो गया, 7 रन हो चुके हैं। तो ड्राइंग कंपटीशन भी यहाँ रखा गया था, वहां पर भी 3 इनामी राशियां दी गई हैं। ड्राइंग कंपटीशन यानी कि कला से प्यार करने वालों को मुंबई नगरी यानी कि माया नगरी, कला से प्यार करने वालों की दुनिया, कलाकारों की दुनिया, और ऐसे कलाकारों की दुनिया में ड्राइंग कंपटीशन रखकर कलाकारों को भी 3 इनामी राशि देने का यहाँ पर फैसला किया गया था और वो भी मिल जाएगा यानी कि एक सोने पे सुहाग है। और मैराथन जो हम दौड़ेंगे ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 इनामी राशि नहीं दी जाएगी, साथ ही साथ 25 टॉप परफॉर्मर जो होंगे, सभी 25 टॉप परफॉर्मर्स को 1,000 रुपए की इनामी राशि भी दी जाएगी, साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और साथ ही साथ एक बेहतरीन सी टी शर्ट यानी जर्सी भी अता की जाएगी। तो बहुत ही कमाल का ऐसा लग रहा है कि वाकई में ऊपर वाले ने अनुशक्ति विभाग जो विधानसभा जो क्षेत्र है उसके यहाँ पर भाग्य खोल दिए हैं और माशाल्लाह से काफी अच्छा यहाँ पर भाग्य खुला है। बहुत सारी चीजें खेल के माध्यम से, कला के माध्यम से, हर एक जगह यहाँ पर खुशियां बिखेरते हुए हमें नजर आए हमारे बेबाक कार्य सम्राट इज्जत इमाम अली जनाब शेर महाराष्ट्र यानी कि नवाब मलिक साहब जो कि माजी मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र कैबिनेट के। और इस बार देखना होगा लॉलीपॉप बनाकर कर दिया उसे ड्रॉप और कैच छूटा है और देखना होगा किसका किसका दिल टूटा है और बल्लेबाजों ने कितना रन लूटा है। अगर रनों की बात की जाए यहाँ पर स्कोर हो चुका है 8 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद और 1 गेंद भी अमर हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर इमरान 11 ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, उस पर कहीं ना कहीं अब तक खड़े उतरते हुए नजर आए हैं। और खुशी फाइटर्स जो फाइट करना जानती है, अच्छी क्रिकेट खेलना जानती है, अच्छी क्रिकेट खेलकर यहां तक पहुंची है। और फिर से इस बार एक ऊंचा शॉट है, क्या पीछे नीचे फील्डर आ जाएंगे, इस बार लॉलीपॉप नहीं होगा ड्रॉप और एक बड़ी विकेट यहां पर जाएगी और बल्लेबाज यहां पर नाराज नजर आएंगे, खुद से मिसटाइम किया लेकिन फील्डर ने इस बार मिसटाइम नहीं किया, एक अच्छी टाइमिंग दिखाई, अच्छा पोजीशन में और एक बेहतरीन कैच लेकर और एक बल्लेबाज को आउट करके नो डाउट पवेलियन की तरफ रवाना किया है और एक झटका यहां पर लगा है खुशी फाइटर्स जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है हमारे चीता गेम क्रिकेट एसोसिएशन के जो हमारे प्रेसिडेंट रफीक शेख साहब, उनका एक बहुत ही प्यारा सा बयान था कि वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रिकेट है क्रिकेट को विरासत में दिया जाए और वही विरासत यहाँ पर आगे और विरासत में देना चाहते हैं। और ऐसे काफी टीमें हमें यहाँ पर अंदर के सिकंदर नए नए बच्चे इस टूर्नामेंट से हमने देखा, जहां पर बड़ी बड़ी टीमें बाहर होती हुई नजर आई और जो अंडर डॉग्स थे जो अंदर के सिकंदर थे ऐसी टीमें बाहर आई है। तो हम सना मलिक साहिबा का बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे और एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे क्योंकि हम चाह रहे थे कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े, खेल के माध्यम से आगे बढ़े। ऐसी बहुत सारी टीमें हमें यहाँ पर देखने को मिली इस फ्री टूर्नामेंट के माध्यम से, जहां पर ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी हमें खेलते हुए नजर आए
जिन्हें कभी हमने देखा नहीं। एक ऐसा खिलाड़ी भी हमें मिला मैडम, एक ऐसा खिलाड़ी भी हमें इस प्रतियोगिता में मिला जिसने आज तक इस चीता कैंप जिसे क्रिकेट की दुनिया कहा जाता है यहाँ पर आज तक कभी उसने किसी टूर्नामेंट में एक गेंद भी नहीं डाली, उसने कभी एक गेंद नहीं डाली थी, लेकिन जब यहाँ पर इस राष्ट्रवादी चषक 2024 में उस अजीम नाम के गेंदबाज ने पहला ओवर किया वो मेडन किया और 18 गेंदों पे 14 रन को डिफेंड किया। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी युवा खिलाड़ियों के लिए जो यहाँ पर चाहते हैं क्रिकेट को आगे लेकर जाना चाहते हैं और उसी बिल्कुल उसी सपने को यहाँ पर साकार करते हुए सना मलिक साहिबा ने यहाँ पर चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट यहाँ पर दिया इस क्षेत्र में और जहां पर हम देख सकते हैं कि पूरे 120 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और ऐसे ऐसे खिलाड़ी हमें नजर आए हैं सब खेमे में जिन्होंने या तो क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है या तो जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो ऐसे सारे खिलाड़ी हमें देखने को मिले और एक हाई क्वालिटी का टूर्नामेंट जहां पर हम देख सकते हैं वाई स्पोर्ट्स के माध्यम से एक हाई क्वालिटी कवरेज है और साथ ही साथ एलईडी बेल्स का भी यहां पर इंतजाम किया गया है, 3 स्टैंडिंग कैमराज है और आज हमारे वाई स्पोर्ट्स के इरफान शेख उन्होंने एक अलग ही कारनामा करके दिखाया। यहां पर हम ड्रोन शॉट ले नहीं सकते लेकिन उन्होंने ड्रोन शॉट का नजारा हमें दिया बिना ड्रोन उड़ाए, तो ये भी हम इरफान का भी यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और इसके बाद फिरोज 11 और ब्रू 11 का मैच है तो दोनों ही कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा। चलिए यहां पर टॉस के बॉस को क्लियर करेंगे और स्वप्निल पाटिल साहब जो विद्यार्थी तालुका प्रेसिडेंट हैं हम उनका भी यहां पर दिलों की गहराई से यहां पर स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं उनके मूल्यवान वक्त के लिए। साथ ही साथ ओन सिद्दीकी साहब हम उनका भी यहां पर बहुत बहुत चलिए यानी कि अगला मैच जो होगा वो खेला जाएगा और ये फुल टॉस गेम
दरगर बल्ले के स्वीट पार्ट पर लगेगी तो गेंद आउट ऑफ द पार्क की जाएगी और एक दमदार षटकार यहां पर देखने को मिलता हुआ आए हुए हमारे दमदार आमदार के स्वागत में लगाया गया एक और एक अनोखा षटकार। बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच गेंद लगी और गेंद सीधा आउट ऑफ द पार्क। और इस 6 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए रन हो चुके हैं 26 रन 26 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। बिल्कुल जिस तरह से युवा खिलाड़ी हमें चाहिए थे अंदर के सिकंदर चाहिए थे युवा खिलाड़ी चाहिए थे वो सारे खिलाड़ी हमें यहां पर देखने को मिले जिसमें से एक हमें खुशी फाइटर्स भी नजर आ रही है। और इस बीच देखना होगा गेंद जी बिल्कुल जिस तरह से मैं यहां पर बात कर रहा था जलाल सर जिस तरह से हमने भी देखा काफी बड़ी बड़ी टीमें जो टूर्नामेंट से बाहर होती हुई नजर आ रहा है ऐसे ऐसे खिलाड़ी हमें इस तो प्रतियोगिता में आगे जाते हुए नजर आए जिन्हें हम देखना चाहते थे जिन्हें हमारी चीता कैंप की सरजमीन देखना चाहती थी और ऐसा ही टूर्नामेंट एक परफेक्ट एग्जाम्पल बना और ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल एक बेहतरीन सा टूर्नामेंट यहाँ पर रखने के लिए हम फिर से हमारे बेबाक कार्य सम्राट इज्जत इमाम अली जनाब शेर महाराष्ट्र नवाब मलिक साहब के नेतृत्व में देखा गया खूबसूरत सा राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रेजेंट राष्ट्रवादी चषक सीजन 1 यानी कि जिसे कहेंगे हम पहला पर्व जिस पर सभी को होगा गर्व 28 का यहां पर टारगेट रखा गया है और हसन आएंगे अपने पूरे नौजवान टीम के साथ राइजिंग स्टार्स के साथ और इमरान 11 को यहां पर 28 रन और मैं चाहूंगा कि एक बार एक बेहतरीन सा गाना और हमारे बीच यहां पर आ चुके हैं
चलिए यहाँ पर फिरोज 11 और ब्रो 11 के बीच में टॉस होगा और टॉस कराएंगे हमारे बीच मौजूद अजीज उमारूफ। चलिए मैं हमारे बीच मौजूद हमारे चलिए हमारे बीच यहां पर मौत चुके हैं मौजूद हैं हमारे हाजी मुकलेश साहब इज्जत मारूफ एक बहुत ही बेहतरीन सी शख्सियत एनसीपी के एक बेहतरीन से लीडर और उनके साथ हमारे जलाल संजर साहब दोनों के मुबारक हाथों से और साथ ही साथ रफीक शेख साहब वो भी यहां पर मौजूद हैं जहां पर टॉस होगा दोनों ही टीमों के बीच। और फिर से एक ऊंचा शॉट है पीछे नीचे फील्डर है अच्छा प्रयास है लेकिन देखना होगा अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। अंपायर ने यहां पर भंगड़ा पाते हुए कह दिया है कि काफी खुशी है इस टूर्नामेंट की और ये 6 रन ने यहां पर मिला और जी बिल्कुल जिस तरह से हमने देखा है कमाल का ये टूर्नामेंट है और जिस तरह से हम देखते हैं चाहे वो चीता कैम हो चाहे वो गोमंडी की सरजमीन हो जहां पर खेलने का वहां पर खेलने की इच्छाएं तो बहुत जमा जताते हैं और यहां पर कप्तान की विकेट गई है यहां पर खेलने की जो खेलने का जो इरादा है वो जताया बहुत जाता। चलिए ब्रो ने टॉस जीता है पहले फील्डिंग करेंगे जिस तरह से हमें पता है कि हमारा जिस तरह से मुआशरा है स्लम्स में हम रहते हैं और काफी चीजों की मुश्किलों का सामना हमें फेस करना पड़ता है और ऐसे जगह पर हमारे बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं कि जो खेलना चाहते हैं लेकिन उनके पास खेलने के लिए जगह नहीं है और चीता कैंप भी उसमें से एक ऐसी सरजमीन है जहां पर खेलने के लिए काफी मुश्किलात का सामना पैदा करना पड़ा सभी बच्चों को और ऐसे समय में जब लोगों ने हमारी बेबा कार्य सम्राट यानी कि सना मलिक साहिबा से जब ये समस्याएं रखी ये परेशानियां रखी कि हमारे पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं है और उस दिन हमने अपने बच्चे से ही पूछा था कि बताइए आपको कितने दिन में टर्फ बन के मिला था तो उन्होंने कहा था कि हमने 1 महीने पहले बात रखी थी और 1 महीने में हमें 3 टर्फ बना के दिए थे तो ये जी बिल्कुल 2 टर्फ बनाकर दिए थे जी बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि मतलब ये समझते हमारी समस्याओं को समझते और हम अपनी समस्याओं को समझकर यहां पर सबका मैंने कहा ना कि जवाब बाद में पहले समाधान देते हैं। और हमारे जलाल संजर साहब प्लीज मंच पर आएंगे जलाल संजर साहब और ऐसे ऐसे लोग हैं काफी स्कोर कितना हुआ मैच खत्म हो गया मैच को जीत लिया है। चलिए यहां पर चलिए ब्रो 11 फील्डिंग लिया ब्रो 11 जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग लगाएंगे ब्रो 11। चलिए इसके बाद किसका मैच है इसके बाद किसका है तीन टीम हो जाएगी ना चलिए ये तीसरी टीम है। चलिए 20 मिनट में ये मैच को खत्म करना है 20 मिनट में जी बिल्कुल चलिए जल्दी जल्दी मैच शुरू करना है प्लीज आप सभी से गुजारिश करूंगा मैं सभी टीम से कि वक्त का ख्याल रखें 20 मिनट में हमें मैच खत्म करना है अगर एक इनिंग 20 मिनट में नहीं होती है तो एक खिलाड़ी को आपको सर्कल के अंदर लाना होगा। अभी ये मैच कितने और गए हेलो कितने ओवर का ऑर्डर सर वही 20 गेंदों का है ना ओके 20 गेंदों का ही है इसके अभी फिलहाल 20 गेंदों का है
जी हेलो 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 चलिए मैच की तरफ चलते हैं। अगली गेंद फिर से एक हवाई हल्ला, क्या छूबेगा मोहल्ला, जी नहीं, गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक बड़ी विकेट यहां पर जाएगी फिरोज इलेवन को। यहां पर लगता हुआ बड़ा छटका, हुसैन जो कि इस टूर्नामेंट के एक अर्धशतक वीर है वो जाएंगे इस बार आउट होकर डगआउट की तरफ। दो रन सिर्फ कर पाएंगे अपने इस पारी में, बहुत ही बेहतरीन। और जी बिल्कुल, और एक बल्लेबाज जो है इमरान, जिसने कल लाया था इस ग्राउंड पर तूफान और इस प्रतियोगिता का सबसे बेहतरीन मैच जो हमने देखा था, जिसे कहते हैं क्लोज एनकाउंटर। जिस तरह से सबसे बेहतरीन क्लोज एनकाउंटर्स होते हैं और ESPN हमेशा भारत का जो मैच दिखाते रहता है, तो यहाँ पर वाई स्पोर्ट्स पर हम वो कल का जो मैच हुआ था वो मैच हम बार बार देखेंगे। काफी कमाल का मैच हुआ था, एक तरफ ललकार थी तो दूसरी तरफ यलकार थी, वो मैच हुई दमदार और काफी यादगार। फिर से यॉर्कर बॉल, लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा हमारे दमदार आमदार जो यहाँ पर मौजूद है, माशाल्लाह से यहाँ पर काफी अच्छी, जिस तरह से एक सुपर संडे है और ये सुपर संडे बहुत लोगों के लिए और भी सुपर होने वाला है, जो यहाँ पर कैबिनेट बनेगी तो इंशाल्लाह उसकी घोषणा भी यहाँ पर करेंगे हमारे बेबाक कार्य सम्राट शेर महाराष्ट्र इज्जत इमाम अली जनाब नवाब मलिक साहब। और जिस तरह से मैं जब बात यहाँ पर कर रहा था, जिस तरह से बेबाक अंदाज में यहाँ पर हर कामों को बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर देखा गया है, चाहे वो नौजवानों के खेल से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड हो, और बहुत सारे हमने देखे जॉब मेलास भी यहाँ पर लगाए गए सभी बच्चों के लिए, जहाँ पर आज रोजगार के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर बातें की जाती है, वहां पर रोजगार क्रिएट करने का काम किया गया था सना मलिक साहिबा की तरफ से। जी बिल्कुल, मेडिकल कैंप्स भी हमने देखा, ब्लड डोनेशन कैंप्स देखे हमने, बहुत सारे कैंप्स देखे जहां पर जो भी यहां पर मुझे मुहैया करा सकता था, जॉब मेला भी हमने देखा था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने मांगा और हमने दिया। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा जो माशरा एक ऐसे जगह पे, जहां पर हमारे एक मशहूर शायर बहुत ही प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी सोच आज तक कागज पर असली नहीं उतरी, हमारी सोच आज तक कागज पर असली नहीं उतरी, हम अपने सपने की तस्वीर भी नकली बनाते हैं। लेकिन ऐसे एक माहौल में आप लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और कोशिश किया है कि कुछ चीजें जो है जो असल हम कर सकते हैं वो करने का पूरा प्रयास किया, और जो अपने हाथों में हम वही कर सकते हैं और जो हाथों में नहीं है उसका प्रयास जरूर करते हुए नजर आए। और माशाल्लाह से ऐसा कोई नहीं है कि जो भी चीजें मांगी गई वो यहाँ पर अता करने का काम किया गया हमारे बेबाक कार्य सम्राट इज्जत इमाम अली जनाब नवाब मलिक साहब। खिदमत कल को लेकर चले और उसी खिदमत कल को विरासत में लेकर चलती हुई हमारी सना मलिक साहिबा, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहां पर टूर्नामेंट यहां पर चलता हुआ। और साथ ही साथ मैं और एक बंदे की यहां पर बहुत तारीफ करना चाहूंगा मैडम,
बहुत ही जरूरी है उस बंदे की यहाँ पर तारीफ करना, जिसे आपने एक बहुत ही जरूरी जिम्मेदारी यहाँ पर दी, एक बहुत ही जरूरी और अहम जिम्मेदारी दी इस टूर्नामेंट को काफी स्मूथ तरीके से लेकर चलने के लिए। वाकई में मैंने उस बंदे को देखा, वाकई में उसने हर एक टीम को एडजस्ट किया, उसने इस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखा कि कोई भी टीम यहाँ पर नाराज ना हो। भले ही ये फ्री एंट्री टूर्नामेंट है लेकिन कोई भी खिलाड़ी यहाँ से नाराज जाएगा नहीं। तो हमारे वार्ड नंबर 145 के एनसीपी के यूथ प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 145 के सलमान हुसैन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ये मैं ये गवाही देता हूँ इस चीज की, मैं 5 दिन से इस टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ हूँ माशाल्लाह से। उन्होंने खुद को एडजस्ट किया लेकिन टीमों को नहीं कहा कि आप एडजस्ट करो, उन्होंने कहा कि हम नहीं खेल सकते, तो बोले ठीक है यार लेकिन कल कोशिश करना, जल्दी आ जाना, मैंने आपका ख्याल रखा तो आप भी मेरा ख्याल रखें। जिस तरह से सना मलिक साहिबा यहाँ पर इस अनुशक्ति नगर विभाग की अगर बात की जाए, इस विधायक क्षेत्र की, जिस तरह से सभी का ख्याल रखा है, इस टूर्नामेंट में सलमान हुसैन ने भी सभी का काफी बेहतरीन अंदाज में ख्याल रखा है और काफी स्मूथ लेकर चले और हमारा साथ देने के लिए हम चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रफीक शेख साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर सलमान की बात तो हो गई है और साथ ही साथ एक ऐसी शख्सियत है, सलमान ने तो इस ग्राउंड पे वो कारनामा कर दिखाया, काफी स्मूथनेस से लेकर चले, लेकिन एक ऐसे भी शख्सियत हमारे बीच है जिन्होंने यहाँ पर सभी जगह जहां पर 4 ग्राउंड पर मैच खेला गया। जी बिल्कुल, और इस बीच दरमियान हमारे बीच मान्यवर हमारे अतिथि विष्णु गायकवाड़ साहब जो कि तालुका प्रेसिडेंट है, मैं उनसे यहां पर गुजारिश करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि प्लीज मंच पर आएंगे, मंच की शोभा बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ हमारे विशाल धिंडे सर जो कि सामाजिक न्याय विभाग तालुका प्रेसिडेंट, मैं गुजारिश करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा हमारे दोनों ही अतिथि से, मान्यवरों से कि प्लीज मंच पर आएंगे, मंच की शोभा बढ़ाएंगे और आप लोगों का मूल्यवान समय लेकर मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से यहां पर शुक्रिया अदा करते हैं। और जी बिल्कुल, मैं साथ ही साथ उस बंदे का भी यहां पर धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने यहां पर, जी बिल्कुल, जिस तरह से सलमान ने यहां पर काफी स्मूथनेस दिखाई है, काफी बेहतरीन अंदाज में ये टूर्नामेंट को लेकर चले हैं, मैं सुनील गिरी साहब का जो कि एनसीपी के एक बेहतरीन से मुंबई यूथ प्रेसिडेंट है, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सुनील गिरी साहब जिन्होंने हर जगह की, चारों जगह की टीमों को संभाल कर यहां पर लेकर आए, तो हम उनकी पूरी टीम को और हमारे सुनील गिरी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते। तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में काफी कमाल का ये टूर्नामेंट है, यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना लिखा गया है और हर पन्ने को लिखने की जिन्होंने भी यहाँ पर मेहनत की है, सभी को यहाँ पर हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 11 रन यहाँ पर हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। बिल्कुल, आज हमने जब ड्रोन तो उड़ाया नहीं लेकिन जब ड्रोन शॉट लिया था, ड्रोन का नजारा हमने लिया था, तो वाकई में ग्राउंड आज लाल मिट्टी का ग्राउंड, वाकई में लाल मिट्टी का ग्राउंड बिल्कुल खूबसूरत नजर आ रहा था, ऐसा लगा कि वाकई में इसे ही लाल मिट्टी का मैदान कहा जाता है। और विकेट माशाल्लाह इतनी प्यारी विकेट है, इतनी लंबी विकेट है और फिर से एक अच्छा शॉट खेला है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम सना मलिक मैडम की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ नौजवानों तक सीमित नहीं है, जब कभी आती है तो वुमन एम्पावरमेंट की बात करती है, एसपीएल के मंच पर आती है तो वुमन एम्पावरमेंट की बात करती है, जहां पर देखती है कि जहां पर खेले का मेला चलता है वहां पर ये देखती है, इनकी निगाहें देखती है, नौजवान खेल रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत ही कमाल का सबको सपोर्ट किया, लेकिन साथ ही साथ वो चाहती है कि बिल्कुल यहां पर जो लड़कियां हैं वो भी यहां पर आकर्षित कर करे। तो एक बार हमारे सना मलिक साहिबा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, सभी का ख्याल रखा है, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो किसी भी शोबे का हो, चाहे वो कुछ भी करता हो, वहां पर हर हमेशा यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया है और सभी का सहयोग दिया है हमारी सना मलिक साहिबा ने, सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ही नहीं, यहाँ पर चाहती है कि महिलाएं भी बिल्कुल अपनी ताकतवर रहे, अपनी ताकत दिखाए, और यानी इसी को कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास और तब जाकर होगा विकास।
जी बिल्कुल, सबको साथ में लेकर चलने वाली हमारी यूथ ब्रिगेड की एक निडर लीडर यानी कि सना मलिक साहिबा, जो कि आर्किटेक्ट भी हैं और साथ ही साथ एलएलबी भी क्लियर किया है, यानी कि आर्किटेक्ट जो उनके खूबसूरती जो आर्किटेक्ट जो यहां पर आर्किटेक्चर इन्होंने किया है वो हमने तो देख लिया है, और साथ ही साथ एलएलबी, तो बहुत बहुत मुबारकबाद है हमारे सना मलिक साहिबा को, क्योंकि अगर अब जाकर इस विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई गलत काम होगा तो उसकी कानूनी लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा सकती है। वो ताकत भी अपने नाम यहाँ पर कर लिया है सना मलिक साहिबा ने, उनके तरकश में और एक तीर यहाँ पर जुड़ चुका है, एलएलबी का उन्होंने कारनामा कर दिखाया, तो बहुत ही ये हमारे लिए एक एजाज की बात है, एक फख्र की बात है, और इस विधानसभा क्षेत्र को और एक नई राह दिखाने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक खुशी की बात है, और हमारे आए हुए सभी मान्यवरों का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। चलेंगे मैच की तरफ, अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 18 रन और इमरान फिर से बहुत ही अच्छी है कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आया, और इस बीच देखना होगा ओवर द कवर्स, लवली शॉट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट, राइट मिडल ऑफ द बैट, आउट ऑफ द पार्क, बहुत ही कमाल का दंगला देदार शॉट लगाकर इस मैच को जिंदा रखने का काम किया है इमरान। और इमरान की यहां पर जोड़ी मैच को जी बिल्कुल जीत की तरफ चाह रहे हैं कि इसे मोड़ी, और ये मोड़ना चाह रहे हैं, और यहां पर रनों की जो जरूरत है उसे यहां पर पूरा करते हुए, और कल के हीरो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाला बल्लेबाज जिसके नाम पर वो एजाज अभी भी हासिल है, यानी कि इमरान अभी भी स्ट्राइक पर है, और उन्होंने कल 18 गेंदों में 66 रन करने का कारनामा किया था, और नाबाद बल्लेबाज से और 10 सिक्सर लगाए थे, यानी कि सिक्सर किंग ऐसा बल्लेबाज इमरान हमें नजर आता हुआ, इमरान नहीं एक तूफान है, और तूफानी पारी यहां पर खेलते हुए हमें नजर आएगा फिर से इस प्रतियोगिता में। और चलिए अगर फिर से इस बार कलाइयों का किया इस्तेमाल, और आए हुए हमारे सभी मेहमानों का किया इस्तकबाल इस दंडनादेदार दर्जेदार दमदार शॉट के साथ जो गई है षटकार के लिए, यानी कि षटकार किंग इमरान शेख।
हेलो दोस्तों और साथियों, राष्ट्रवादी डे एंड नाइट चषक का ये राष्ट्रवादी डे नाइट चषक के इस फाइनल डे पे आए हुए तमाम मेहमानों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आए हुए मेहमान कार्य सम्राट आदरणीय श्री नवाब मलिक साहब और हमारी लाडली नेता सना मलिक जी और मेरे बड़े भाई हाजी मुकलेश साहब, इखलाक अशरफी जी, हमीद जी सोलापुरी साहब, अब्दुल रशीद भाई, नसीम खान साहब, रवि कलस्त्री जी और अब्दुल गनी भाई, जहाँ इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं, मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आए हुए मेहमानों की जो लिस्ट अगर आपके पास होगी तो ज़रा दे देना भाई, या तो आप अनाउंस कर दें। ठीक है, और इस बीच हमारे बीच से हमारे दरमियान से यहाँ पर रुखसती लेते हुए नजर आ रहे हमारे बेबाक कार्य सम्राट शेर महाराष्ट्र इज्जत माँ वाली जनाब दमदार आमदार और सबसे बेहतरीन से एक नेता माझी मंत्री हमारे इज्जत माँ वाली जनाब नवाब मलिक साहब यहाँ पर रुखसती चाहते हैं और रुखसती लेते हुए अलविदा कहते हुए अपने दोस्तों से, अपने यारों से और अपने सभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से यहाँ पर मुखातिब होते हुए इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर से हमारे बीच जरूर दस्तक देंगे। ऐसा कहा है, कुछ मशरूफियात है जिसके चलते उन्हें जाना है और वही मशरूफियात के चलते यहाँ से थोड़ा जाते हुए यहाँ पर हमारे दमदार आमदार तो हमारे बीच आने के लिए फिर से सभी से मुखातिब होने के लिए हम दिलों की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे दमदार आमदार इज्जत माँ वाली जनाब नवाब मलिक साहब रुखसती लेते हुए अपने लोगों से मुखातिब होते हुए इस खूबसूरत से एक ऐतिहासिक ग्राउंड में एक ऐतिहासिक क्रिकेट टूर्नामेंट को यहां पर सर अंजाम देते हुए यहां पर कुछ मशरूफियात के चलते अपने हमसे यहां पर रुखसती लेकर यहां से जरूर हमें यहां पर अलविदा जरूर कहा है, लेकिन फिर हमारे बीच जरूर नजर आएंगे। चलिए, जो तीनों टीम के कैप्टन हैं, तीनों ही टीमों के कैप्टन चलिए पांचों टीम के कैप्टन से यहां पर गुजारिश है कि प्लीज मंच की तरफ आएंगे। बिल्कुल आए हैं और हमारे सलमान हुसैन जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक क्रिकेट टूर्नामेंट को यहां पर रना है और काफी सभी का सहयोग यहां पर दिया है और जीशान करेंगे गेंदबाजों को परेशान और इसी तरह गेंदों को दिखाएंगे आसमान और आज सुबह से इसी तरह कर रहे हैं घमासान और छोड़े हर मैचेस में जीत के निशान। चलिए, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर जिस तरह से हम देख सकते हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, यानी कि रेनी क्रिकेट का फाइनल। पांचों कैप्टन जो इससे पहले हम सभी कप्तान जो यहाँ पर जीते हुए क्वालिफाई कर चुके हैं सभी कैप्टन से यहाँ पर गुजारिश करेंगे कि प्लीज मंच की तरफ आएंगे, सलमान हुसैन से संपर्क करेंगे। एक खूबसूरत से अंदाज में इस टूर्नामेंट को आयोजित करने वाले हमारे सलमान हुसैन वार्ड नंबर 145 के यूथ प्रेसिडेंट, सभी कैप्टन, पांचों कैप्टन। सूर्या की अगली गेंद देखना होगा यहां पर, अच्छा शॉट है, एक रन ले जाएंगे बैक टू बैक, दो सिक्सर लगाने के बाद एक अच्छी वापसी यहां पर की है जहां पर एक डॉट गेंद आई और एक रन आया है और स्कोर की अगर बात की जाए स्कोर हो चुका है 13 रन।
एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन हो चुके हैं। तो पांचों कप्तान से यहां पर गुजारिश होगी। तिरंगा के कैप्टन चलिए शाकिब से भी यहां पर गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द आएंगे यहां पर गैलेक्सी के कैप्टन शाइनिंग स्टार के अफीक से भी गुजारिश होगी। चलिए मानकुर 11, तिरंगा 11 और रेस्ट ऑफ चेंबूर, ये तीनों ही कैप्टन से यहां पर गुजारिश होगी, विनंती होगी कि प्लीज जल्द से जल्द आएंगे। तीनों ही कैप्टन मंच के करीब सलमान हुसैन से यहां पर मुखातिब होंगे, मिलेंगे। और इस मैच की अगर बात की जाए तो 41 रनों का लक्ष्य है। पहला ओवर 5 गेंदों का था जिसमें 13 रन यहां पर कर लिए। और साबिर भाई भी हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं, हम उनका भी फिर से इस्तकबाल करेंगे हमारे साबिर भाई का। और इस बार देखना होगा, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर है और अमीर नहीं करने वाले कोई गलती। बड़ी विकेट यहां पर आई है जीशान, जो एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, गेंद को फिर से दिखाया था आसमान, लेकिन मात्र 50 ग्राम की ताकत थोड़ी सी कम पड़ गई, वरना गेंद आउट ऑफ द पार्क जरूर जाती। और एक बड़ा झटका यहां पर लगा जरूर है, लेकिन अभी भी अगर प्रो 11 की बात की जाए तो उनके बल्लेबाजी क्रम में ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं, सुल्तान भी मचा सकते हैं घमासान और इस मैच में फिर से बन सकते हैं एक जीत की पहचान। तो यहां पर सुल्तान किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे वो देखना होगा। चलिए हमने तीन टीमों का यहां पर नाम ले लिया है, यानी कि मानकुर 11 के कैप्टन, तिरंगा 11 के कैप्टन नरेश और रेस्ट ऑफ चेंबूर के कैप्टन, तीनों ही कैप्टन यहां पर आएंगे और सलमान हुसैन उनसे यहां पर मिलेंगे। यहां पर कौन सी टीम के कैप्टन है सर? रेस्ट ऑफ चेंबूर की टीम यहां पर आ चुकी है। तिरंगा के कैप्टन नारू नरेश, और इस बीच देखना होगा, बहुत ही अच्छी गेंद थी, तेज तरवारी गेंद थी, थोड़ी सी स्किडी गेंद थी और अपने इसी तेज तरवार गेंदबाजी के लिए जाना जाता है ये गेंदबाज संचय, जिनके नाम के आगे लिखा है अजय, तो संजय। और यहां पर सुल्तान, दोनों ही युवा खिलाड़ी, शाइनिंग स्टार, उभरते हुए खिलाड़ी, ऐसे ही खिलाड़ियों को यहां पर आगे लेकर जाने के लिए एक खूबसूरत सा फ्री एंट्री टूर्नामेंट राष्ट्रवादी चषक 2024 यहां पर आयोजित किया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और फिर से इस बार देखना होगा क्या गेंद जाएगी, काफी अच्छी, बिजली से भी तेज, हैरत अंगेज, दो फील्डरों के बीच में से गेंद बाउंड्री की लकीर को चीर निकल गई 4 रनों के लिए। सुल्तान जी बिल्कुल, सुल्तान की भी अपनी एक लीगेसी, एक अपनी पहचान है, छोड़ सकते जीत का निशान है, करते घमासान है। और इस बार अच्छा शॉट खेला है, काफी तेज गेंद गई है, फ्लैट बैटेड दो फील्डरों के बीच में। हमारी सना मलिक साहिबा हमारे साथ जुड़ी है, हमारे लिए बहुत ही एजाज की बात है, बहुत ही फख्र की बात है। और उनके तर्कश की अगर बात की जाए तो उनके तर्कश में काफी तीर हैं, जहां पर हम जानते हैं कि एक आर्किटेक्ट भी हैं, साथ ही एलएलबी भी क्लियर किया है। और इस दौरान हमने देखा हमारी सना मलिक साहिबा एक बेबाक लीडर, उन्हें एक बहुत ही प्यारे सम्मान से भी यहां पर नवाजा गया। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, मेरे ख्याल से फ्राइडे वाले दिन की बात है, जहां पर हमने देखा हमारी बेबाक लीडर यूथ, लीडरों की सेना को लेकर चलने वाली हमारी सना मलिक साहिबा को यशवंत राव सेंटर में लोकमत लोकनेता के सम्मान से नवाजा गया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, यानी कि लोकमत और लोकनेता, यानी कि बहुत बड़ी बात होती है। और इस सम्मान से नवाजा गया, और ये ऐसे ही नहीं दिया जाता, ये सर्वे करने के बाद दिया जाता है। और ये सर्वे करने के बाद हमारी सबसे बेहतरीन नेता, यानी कि लोकमत और लोक नेता, यानी कि लोगों ने अपना मत दिया, लोगों ने अपना नेता चुना है, और ऐसे सम्मान से यहां पर नवाजा हमारे बेबाक लीडर यानी कि सना मलिक साहिबा को। और इस बीच देखना होगा, काफी तेज रनिंग यहां पर की जरूर है, देखना होगा यहां पर सूर्या, ओहो क्या प्यारा नजारा है, क्या प्यारा नजारा है, और बेल से जगमगाती हुई नजर आई है। और ये जी बिल्कुल, ये जो बेल से जगमगा रही है, इसका नजारा देने का काम किया हमारे व्यू स्पोर्ट्स के ओनर हमारे सलाह भाई, और उनके तरफ से ये एक बेल से यहां पर अता की गई इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में। और जितनी भी जर्सी है, वो जर्सी भी हम देख सकते हैं, उसका डिजाइन भी हमें हमारे सलाह भाई यानी कि व्यू स्पोर्ट्स के ओनर की तरफ से यहां पर अता की गई। 19 रन हो चुके हैं, 19 रन ऑन स्कोर कार्ड,
22 रन और चाहिए 10 गेंदों में, यानी कि मैच में जान अभी बरकरार है, मैच में रोमांच बरकरार है। लेकिन इस ओवर की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है संजय, एक रफ्तार का सरदार।